क्या हुआ? सुनो, तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि जब मैं अरसलान के ऑफिस में गया था तो वहां मैंने उसे किसी लड़की के साथ देखा था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, सोच सोच की टेंशन हो रही है। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या। लुबना तो वहीं बैठी है, अल्लाह जाने वो लोग उसके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। सामने उठे तो पूछती हूँ, फिर अरसलान से बात करूंगी। ये यकीनन उन लोगों की साजिश है, वरना अपनी सामिया ऐसी बिल्कुल भी नहीं। सौरत को तो शुरू से ही सामिया से मसला है। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि अरसलान कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा ले। तबस्सुम, इधर देखो, अच्छा सोचो और अच्छा बोलो, और यहाँ घर में सबका ख्याल रखना। मैं वापसी पर चक्कर लगाता हूँ। पर इतना खुशी खुशी आए थे ना हम यहाँ, सब टेंशन हो गई तो हॉल उठ रहे हैं, क्या होगा सोच सोच के। औरत की इज्जत पर एक बार उंगली उठ जाए ना, पूरी जिंदगी के लिए उसका किरदार मशकूक हो जाता है। तबस्सुम, अब अगर तुम बड़ी बहन होकर ऐसी बातें करोगी तो सामी और अम्मी की तो हिम्मत ही टूट जाएगी। हौसला दो। अच्छा, आप तो अजियत का शिकार ना होना, आप आराम से जाइए दुकान पर, खूब काम कीजिएगा और वापसी पर आना मत भूलिएगा। जाइए। ठीक है, लाफ। ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? या अल्लाह, तू मुझे उठा ही लेता। तैयबा, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूँ? अरे, सब कुछ भुला कर मैं इस सामिया को ब्याह कर अपने घर लेकर आई, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं आस्तीन का सांप पाल रही हूँ। शक्ल उसकी इतनी भोली है और अंदर से पूरी डायन है। जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो आपने देखा वो आपकी सिर्फ गलत फहमी हो और उनका मकसद या नियत ऐसी बिल्कुल भी ना हो। तैयबा, मेरी बात सुन। ये टॉक शो में जिस तरह से औरतें बातें करती हैं ना, मुझसे उस तरह बात करने की कोशिश मत करना। समझ आ गई? मैंने जो कह दिया है वही सच होना चाहिए तुम्हारे लिए। मैंने कब कहा है कि आप झूठ बोल रही हैं? मैं तो सिर्फ तस्वीर का दूसरा रुख देखना चाहती हूँ। और सामिया भाभी की छोटी बहन इसी घर में मौजूद है, ऐसे कैसे कर सकती हैं वो? कर सकती है, कर चुकी है बेटा, कर चुकी है। ऐसी औरतों के कोई नीनेमान नहीं होते। और मैंने अब ये सोच लिया है कि अब मैं लुबना को भी इस घर में नहीं बसने दूंगी। पता नहीं किसका गुनाह है जो मेरे बेटे के ऊपर डाल रही है। मम्मी, मेरा ये ख्याल है कि ये टाइम ना बात करने के लिए मुनासिब नहीं है। मैं आपसे ना बाद में बात करूंगी, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। मेरे सामने होती ना ये तो मैं उसको बताती। बहुत जबान चल रही है, बेवकूफ लड़की, बड़ी आई भाइयों की चहेती। अरे तुम्हें क्या पता यहाँ क्या चल रहा है? भुगत तो मैं रही हूँ ना।